कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हफ्ते में दो दिन शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया। ऐसे में आज शनिवार को गाजीपुर में भी पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों से लॉकडाउन का पालन कराया गया। प्रशासन द्वारा पूरे जिले में वृहद अभियान चलाकर वाहनों की चेकिंग की गई और बिना वजह और बिना मास्क के बाहर घूम रहे लोगों का चालान भी किया गया। इसी क्रम में गाजीपुर के रौजा चौराहे पर कोतवाली प्रभारी दिलीप सिंह ने यातायात प्रभारी प्रवीण यादव, रजदेपुर चौकी इंचार्ज आशुतोष शुक्ला के साथ वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान बिना हेलमेट और मास्क के पाए गए लोगों का चालान भी किया गया, साथ ही बिना वजह बाहर घूम रहे लोगों का भी चालान किया गया। इसके अलावा जमानिया में भी सीओ जमानिया सुरेश शर्मा और प्रभारी राजीव सिंह के नेतृत्व में लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया गया। यहां लोगों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। इस दौरान बिना वजह और बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान भी किया गया। मौके पर एसआई मंशाराम, एसआई राजीव, एसआई मंजर भी मौजूद रहे। वहीं नक्सर थाना अध्यक्ष रमेश कुमार ने क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों से अपील भी की। एक दूसरे से दूरी बना के रहे, ना रिश्तेदारी में ना जाए, आदेश निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।